आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के सेकंड क्लास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैं आज आपको के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब इसमें आता है रैंडम वेरिएबल्स। तो हमारा रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कोई एक हमने कॉइन लिया, उसे टॉस किया, दो बार हमने टॉस किया, तो कॉइन्स में हमारा क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हम लोग दो बार किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं टू टाइम्स में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक में या तो हेड हेड आ सकता है या हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है या फिर टेल टेल आ सकता है। ये चार पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जिसको ये हमारा जैसे आउटकम हुआ, और इसे हम रैंडम वेरिएबल्स एक्स से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब है कि मान लो हम लोगों ने किसी कॉइन को टॉस किया, हेड हेड आया, कितनी बार आया, तो इसे लिख सकते हैं दो बार आया, या फिर इसमें लिख सकते हो एक बार, जितनी बार आएगा, कोई एक बार आए, कोई जीरो बार आए, ऐसा चार केसेस हो गए। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, या एक डेट असाइन अ नंबर टू ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, क्या हो गया, अ रैंडम वेरिएबल इज अ रूल that assign a number to each outcomes of an experiment। तो बेसिकली क्या होता है, ये डिनोट करता है एक्सपेरिमेंट को, एक्स से या वाई से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया रैंडम वेरिएबल्स क्या है। अब कितने टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। पहला क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, शॉर्टली मैं सारे आपको थ्योरी बताते जाऊंगी शॉर्ट में, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन थ्योरी वाइज रहे या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड रहे, आप आसानी से उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और किसी को समझा भी सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ फाइनाइट और आइसोलेटेड वैल्यू, जितने भी इंटरवल होंगे उसमें फाइनाइट और आइसोलेटेड वैल्यू को हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बोलेंगे, और कंटिन्यूस वेरिएबल बोलेंगे जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल, जितने भी इंटरवल्स होंगे इसमें, मेनली दोनों में डिफरेंस ये, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में फाइनाइट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, और कंटिन्यूस में इनफाइनाइट। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लो डिस्क्रीट के लिए क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग कॉइन्स, द नंबर ऑफ ऑटो पैसेंजर्स कैन टेक वन ओनली वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कंटिन्यूस में क्या हो जाए, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स का एग्जांपल क्या होगा, मेजरिंग द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंडिंग द एवरेज लाइफ ऑफ ब्रांड एक्स टायर्स इटीसी, क्या है, इसमें कंटिन्यूसली वे में होगा, और इसमें डिस्क्रीट, जैसे दो बार टॉस किया हम लोगों ने, कुछ भी आ सकता है किसी में, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो ये फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट जैसे हम लोग क्या किए, हाइट को मेजर किए, रैंडमली मेजर किए। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्टिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म।
इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा कि कितना टोटल प्रोबेबिलिटी, इट शोज हाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द डिफरेंट पॉसिबल यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे हमारा रैंडम वेरिएबल मान लो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स के, ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे हम पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जो असाइन कर रहा है पी एक्स वन प्रोबेबिलिटी टू ईच एक्स वन को। तो इसमें दो केसेस हो जाएंगे, पहले क्या होगा, एक्स वन जो होगा वो लाइज करेगा 0 to 1 फॉर ईच एक्स वन, और दूसरे केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू प्लस अप टू कहाँ तक होगा एक्स स्क्रीन, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या बोला था कि इट शोज हाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी वन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द